अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। हमने यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशंस गिवन है, इनमें से एक एक्सप्रेशन को हमने अंदर रखना है और एक एक्सप्रेशन को हमने बाहर रखना है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से एक्सप्रेशन को अंदर रखना है और कौन से एक्सप्रेशन को हमने बाहर रखना है। जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी उस एक्सप्रेशन को हम अंदर रखेंगे और दूसरे एक्सप्रेशन को हम बाहर रखेंगे। अब इसके फर्स्ट पार्ट में देखें कि हमारे पास यहाँ पे भी x क्यूब है और यहाँ पे भी x क्यूब है, दोनों की पावर हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से एक एक्सप्रेशन को अंदर रख सकते हैं और किसी भी एक एक्सप्रेशन को हम बाहर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रख लेती हूँ ये वाला एक्सप्रेशन, बाहर आ जाएगा हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन हमारे पास बाहर होता है उसको हम डिवाइज़र बोलते हैं, और जिस एक्सप्रेशन को हम अंदर रखते हैं उसे हम डिवाइडेंड बोलते हैं। अब हम करेंगे इसे सॉल्व। इस एक्सप्रेशन को एक साइड पे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है एक्स क्यूब, इस एक्सप्रेशन को हमने किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास एक्स क्यूब आ जाए। अगर यहाँ पे हम वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा। सो वन को हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे, हमने इसको वन के साथ मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके साइन चेंज करेंगे, माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। वन माइनस थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस टेन प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्स एक्स, एट माइनस ट्वेल्व माइनस फोर। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन हमारे पास आ जाएगा माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, माइनस हमने बाहर ले लिया था इसीलिए हमारे पास ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, प्लस टू। अब यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, और जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी उसको हम अंदर लिख लेंगे और दूसरे एक्सप्रेशन को हम बाहर लिखेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब है। सो हमारे पास हाईएस्ट पावर इस एक्सप्रेशन की है, इस एक्सप्रेशन को हम अंदर लिख लेंगे और इस एक्सप्रेशन को हम बाहर लिखेंगे। हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेल्व, और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब इस एक्सप्रेशन को हम साइड पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। यहाँ पर वेरिएबल की पावर एक्स की पावर क्यूब है और यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है। हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर में एक्स क्यूब आ जाए। अगर हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा। सो एक्स को हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक्स को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, थ्री प्लस थ्री सिक्स एक्स स्क्वायर, माइनस सिक्सटीन माइनस टू माइनस एटीन एक्स प्लस ट्वेल्व। अब अगेन हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए, अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी उसको हम अंदर रखेंगे और दूसरे एक्सप्रेशन को हम बाहर रखेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों की पावर सेम है। सो हम अपनी मर्जी से किसी भी एक्सप्रेशन को अंदर रख सकते हैं और दूसरे एक्सप्रेशन को हम बाहर रख सकते हैं। यहाँ पे हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है इसको मैं अंदर कंसीडर कर लेती हूँ और इस एक्सप्रेशन को मैं बाहर कंसीडर कर लेती हूँ। अब अगेन इसको हम लिख लेते हैं एक साइड पर। यहाँ पर देखें हमारे पास सिक्स एक्स स्क्वायर है, हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएँ तो हमारे पास आंसर आए सिक्स एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिक्स को हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एटीन एक्स प्लस ट्वेल्व। हमने सिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स प्लस ट्वेल्व। अब साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया ज़ीरो। ऐसा एक्सप्रेशन जिससे उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए
वो उसका फैक्टर कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए इसका रिमाइंडर 0 आया, तो यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा जिसको हमने फाइंड आउट करना था, और यही हमारा HCF है। यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस HCF इज इक्वल टू x² - 3x + 2। ये आ गया हमारे पास इसका HCF। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पे भी हमारे पास दो एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें से जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी उसको हम अंदर लिख लेंगे और दूसरे एक्सप्रेशन को हम बाहर लिखेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास x4 है और यहाँ पे हमारे पास x³ है, सो हाईएस्ट पावर हमारे पास इस एक्सप्रेशन में है, सो हम इसको अंदर लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन बाहर आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स की पावर 4 है, सो हमें यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं और हमारे पास आंसर में एक्स की पावर 4 आए। अगर हम इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास एक्स की पावर तो 4 आ जाएगी, बट इसके साथ 5 भी आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है हमारे पास। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5x² + 5x³ - 10x² + 5x - 15। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 5x की पावर 4। अब देखें अगर हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 5x की पावर 4। x को हम इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, +3x³। x को 17 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 17x² + 6x। हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आ गया 5x की पावर 4 + 3x³ - 17x² + 6x। अब हम इसके साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, 5 - 3 2x³ - 10 + 17 + 7x² 5 - 6 - x - 15। अब यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए हैं, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी उसे हम अंदर रखेंगे और दूसरे एक्सप्रेशन को हम बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x³ है और यहाँ पे भी हमारे पास x³ है, तो हम अपनी मर्जी से किसी भी एक्सप्रेशन को अंदर रख सकते हैं और किसी भी एक्सप्रेशन को बाहर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, इसको मैं अंदर कंसीडर कर लेती हूँ और इसको हम बाहर कंसीडर कर लेते हैं। इसको अगेन हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर में आए 2x³, बट यहाँ पे हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास 2x³ नहीं बनेगा। सो सबसे पहले यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 5 के साथ, 5 × 2 = 10x³, 5 × 7 = 35x² - 5x, 5 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 75। अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे 10x³। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर आए 10x³। अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10x³ आ जाएगा, सो 2 को हम इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +6x² - 34x + 12। हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आया 10x³ + 6x² - 34x + 12। अब हम साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -35 - 6 = 29x³ + आ जाएगा, -5 + 34 + 29x - 75 + 12 - 87। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 29 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x² + x - 3। जब हम 29 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 87। अब अगेन हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए हैं, इनमें से एक एक्सप्रेशन को हम अंदर रखेंगे और एक को बाहर रखेंगे। जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी उसे हम अंदर रखेंगे और दूसरे एक्सप्रेशन को हम बाहर रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास x³ है और यहाँ पे हमारे पास x² है, सो हाईएस्ट पावर हमारे पास इस एक्सप्रेशन में है, इसको हम अंदर कंसीडर कर लेंगे और इसको हम बाहर कंसीडर करेंगे। इसको आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास ये वैल्यू अंदर आएगी और इसको हम बाहर कंसीडर करेंगे। इस एक्सप्रेशन को हम साइड पे लिख के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 5x³, हमें यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर में आए 5x³। अगर हम इसको 5x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 5x को मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5x³। 5x को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस
5x² माइनस 15x। हमने 5x के साथ मल्टीप्लाई किया और हमारे पास एक्सप्रेशन आया 5x³ प्लस 5x² माइनस 15x। अब हम इसके साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस आ जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2x² प्लस माइनस 17 प्लस 15 माइनस 2x प्लस 6। अब अगेन हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए हैं, इनमें से जिसकी पावर हाईएस्ट होगी उसे हम अंदर रखेंगे और दूसरे एक्सप्रेशन को हम बाहर रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास दोनों की पावर सेम है, यहाँ पे भी x² है और यहाँ पे भी x² है। सो हम इसको एज इट इज़ रख लेते हैं, इसको हम अंदर कंसीडर कर लेते हैं और इसको बाहर कंसीडर कर लेते हैं। इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास माइनस 2x² है, हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आए माइनस 2x². अगर हम इसको माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। माइनस 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x माइनस 2 माइनस 3 प्लस 6। माइनस 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया माइनस 2x² माइनस 2x प्लस 6। अब हम इनके साइन चेंज कर देंगे, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। सो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हमारा रिमाइंडर 0 आया है। सो यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन था जिसको हमने फाइंड आउट करना था और यही हमारा HCF है। यहाँ पे हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 3। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, वो भी सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट आप खुद इसका ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर बताएं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।